लेकिन हेलुसिनेशंस और एस्ट्रल बॉडी प्रोजेक्शंस और इन सारी चीज़ों में इशू क्या है कि आप क्रॉस चेक नहीं कर सकते। तो बहुत सारे लोग ऐसा क्लेम करेंगे कि उन्हें एस्ट्रल बॉडी प्रोजेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन कोई क्रॉस चेक नहीं कर सकते आप। और इस चीज़ के ऊपर ऑथेंटिक नॉलेज ना होने की वजह से इंसान के पास यही ऑप्शन बचता है कि सामने वाले की बातों पर ट्रस्ट कर लिया जाए बस। देखिए, एस्ट्रल बॉडी प्रोजेक्शन के लिए आज आप एक टेक्निक सीखेंगे। सबसे पहले आप ये समझें, ये जो मैं अभी सारी बातें बता रहा हूँ ये सीआईए की बातें बता रहा हूँ आपको, ये अभी उपनिषद की बातें नहीं बता रहा हूँ। मैं सिर्फ सीआईए की बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज के जनता को सीआईए ज़्यादा और विज्ञान साइंस ज़्यादा सच लगता है। तो सीआईए की सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी बॉडी को आपकी अटेंशन या कहें आपकी अवेयरनेस या आपका सोल, आपके स्पिरिट छोड़कर, आपकी बॉडी को छोड़कर कहीं और जा सकती है और दूसरी जगहों की जानकारियां लेकर आ सकती है। उदाहरण के लिए मैं यहीं पर बैठा हूं और मैं अपने शरीर को छोड़कर आपके पास आ जाऊं और आपके चारों ओर जो जो चीज़ें मौजूद हैं वो मैं देख पाऊँ और कहीं भी जा सकता हूँ। और एस्ट्रल बॉडी प्रोजेक्शंस में ये पूर्णता संभव है कि मैं ये शरीर छोड़कर आऊँ, ये भी एक तरीका है। मैं शरीर को छोड़े बिना भी आपके पास आ जाऊँ, ये भी एक तरीका है। दोनों चीज़ें होती हैं। तीसरी, एस्ट्रल बॉडी प्रोजेक्शंस में, यानी कि आपकी एस्ट्रल बॉडी जो है, आप ऐसे समझें आपकी स्पिरिचुअल बॉडी है, जो उसको आप प्रोजेक्ट कर दोगे अपने से बाहर। प्रोजेक्ट शब्द मतलब जैसे आप गन से गोली को प्रोजेक्ट करते हो, यानी बाहर भेजते हो। तो आप अपनी कॉन्शियसनेस को या अवेयरनेस को कहीं भी भेज सकते हो और आप पास्ट में और भविष्य में भी भेज सकते हो। अब ये कैसे पता चला उन लोगों को, कि हमें कैसे पता फिर एस्ट्रल ट्रेवल हुआ कि नहीं हुआ? तो उन CIA में क्या एक्सपेरिमेंट्स करा वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने, कि कंप्यूटर की मदद से 10 डिजिट के नंबर पैदा करे, 8 डिजिट के नंबर पैदा करे कंप्यूटर की मदद से। खुद इंसानों ने क्यों नहीं पैदा करे? क्योंकि क्या पता इंसान चीटिंग करके बता दे। एक प्रिडिक्ट करना था, जो इंसान एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर रहा है उसको बोला गया अब तुम प्रिडिक्ट करो कि कंप्यूटर ने कौन से 10 नंबर टाइप करे हैं। और जो नंबर कंप्यूटर ने टाइप करे थे वो एक नदी के दूसरे तट पर, और वो इंसान जिस ऑफिस में बैठा वो नदी के एक तट पर। तो उस इंसान को बोला अब तुम आंख बंद कर एस्ट्रल प्रोजेक्ट करके नदी को क्रॉस करके जाओ, और नदी को क्रॉस करके जाओ और बताओ उस कंप्यूटर ने कौन से 10 नंबर्स लिखे हैं पेपर पे या प्रिंट हुए जब कंप्यूटर से बाहर। अब वो इंसान जब अपने एस्ट्रल प्रोजेक्ट करके जा रहे हैं वहां पर नदी के दूसरे शोर पर, तो वो 10 नंबरों में से हर बार 8 नंबर सही बता दे रहे हैं, कभी 7 आंकड़े सही बता दे रहे हैं, कभी 9 आंकड़े सही बता दे रहे हैं। तो यहां से वैज्ञानिकों को श्योरिटी हो गई कि हाँ, ये लड़का, ये आदमी कर तो पा रहे एस्ट्रल प्रोजेक्ट, यानी अपने शरीर को छोड़कर जा पा रहे नदी के पार, और नदी भी इसलिए रखी कि तैर के, ना चीटिंग, ना कोई चीटिंग का वो ही नहीं हो सकता। तो अपने नदी को तैर कर जा पा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई चीटिंग नहीं हो रहा, कोई आने वाला नहीं वहां से बताने वाला, लेकिन वो लगभग 8 नंबर बता दे रहा है। ये भी सब साबित करता है कि हाँ, इसे दिखा है, वरना 10 में से 8 तुक्के नहीं लग सकते ना। 10 में से 2 बता देगा, 3 बता देगा, वो तो कोई भी बता देगा, और सही ऑर्डर में भी बता रहे वो आदमी कौन से 10 नंबर कंप्यूटर ने बताए हैं। अगर इंसानों ने सोचा होता तो इंसानों ने क्या सोचा है ये बता पाना फिर भी सरल है, लेकिन कंप्यूटर ने क्या नंबर लिखे हैं ये बता पाना तो तुक्का हो ही नहीं सकता। तो वो इंसानों ने हर बार, उन वैज्ञानिक जिस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिन लोगों पर, बहुत बार अधिकतर नंबर बता पा रहे थे, लेकिन हर बार ये दुविधा आ रही थी कि वो सारे जानकारी नहीं बता पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो जैसी होश में आते थे वो जानकारी गायब हो जाएगी। वो हाथ में रेत को पकड़ने जैसी चीज है। जितना आप होश में आओगे और अपने सेंसेस को इस्तेमाल करोगे, जितनी आप बाहर की दुनिया को इस्तेमाल, बाहर के सेंसेस को इस्तेमाल करोगे, आपके अंदर का ज्ञान उतना गायब होता है। और ये बात आपने उपनिषदों में और हिंदू धर्म ग्रंथों में सुनी होगी कि जितने आप बाहर मुखी हो जाते हो उतना कम अंतर्मुखी होते हो।
वो खुद भी बोल रहे हैं हम कुंडलिनी के बारे में हमने पढ़ा और ये सारी चीज़ें पढ़ी और योग प्रैक्टिसेस पढ़ी हमने, जेन प्रैक्टिसेस पढ़ी, यानी कि ध्यान की हर ध्यान, यानी कि कितना से ज़्यादा से ज़्यादा आप स्थिर हो पाते हो, आपकी बुद्धि कितनी ज़्यादा रिलैक्स्ड हो पाती है। तो जब ये सारी की सारी घटनाएं हुई तो उनके ये दो मुद्दे आए, और तीसरा उनका ये मुद्दा आया कि लोग घबरा जाते हैं, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कोई कोई लोग, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग एंटिटीज़ भी होती हैं। तो आप सारी बात समझ गए कि CIA की क्या मोटिवेशन क्या थी, कि 10-15 साल में तो हो रहा है, अब 5 साल में भी हो रहा है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपने सैनिकों को ट्रेन कर दें 3 महीने में कि वो अपनी बॉडी से बाहर निकल कर सामने देख के आ जाएं क्या हो रहा है, तो 3 महीने में, 4 महीने में। तो इस वजह से CIA ने वो ट्रिक्स बनाई थी जिसमें टेप्स कानों में लगाए जाते थे, हेडफोन्स, और वो हेडफोन्स जब कान में लगते हैं तो आपके ब्रेन को वो रिलैक्स कर पाते हैं, आपका ब्रेन रिलैक्स हो पाता है। एस्ट्रल बॉडी से थोड़ा सा पहले जब अगर कोई अभ्यास करता है तो लूसिड ड्रीमिंग उसे होने लगती है। लूसिड ड्रीमिंग भी वही चीज़ है, लूसिड ड्रीमिंग में बस आप अपनी बॉडी से बाहर नहीं जा पा रहे हो, आप अपने को स्वप्न में देख पा रहे हो। तो ये बहुत सरल शब्द हैं, ज़्यादा कुछ कठिन समझने में ज़्यादा कुछ नहीं है कि क्या होता है, लेकिन इसकी प्रक्रिया बहुत ही डीप है, बहुत ही ज़्यादा डीप है, और प्रक्रिया से ज़्यादा इसमें समझने से ज़्यादा ज़रूरी होता है इसका अभ्यास करना। एस्ट्रल ट्रैवल क्या है, यह आपने समझा कि आप अपनी बॉडी को बाहर प्रोजेक्ट कर सकते हो, आपकी कॉन्शियसनेस को आप कहीं भी भेज सकते हो। दूसरी चीज़ क्या ये होता है, ये 100% होता है, और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ और अपने लाइफ फैमिली में देखा है मैंने, और मतलब ये बहुत कॉमन चीज़ है। तीसरी चीज़ क्या आप में से हर कोई ये कर सकता है, हर कोई आप में से कर सकता है, किसी को ज़्यादा समय लग सकता है, किसी को कम समय लग सकता है। अब कैसे करी जाती है एस्ट्रल बॉडी प्रोजेक्शन, ये सबका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है इस पर, क्योंकि ये एकदम मूवी और मैजिकल सा दिखता है। तो उसमें पहली चीज़ हम शॉर्ट्स में क्रिस्प बातों में समझेंगे, क्योंकि हर बात के अंदर पूरे पूरा एक सेशन है, पूरे हर एक सेंटेंस के अंदर एक एक घंटे का सेशन है, और कई बार हमने रिपीट करा है, लेकिन जब भी आप में से जो नए लोग जुड़े हैं आपको जो भी डाउट होगा आप दोबारा पूछ लीजिएगा, हम दोबारा पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ आप लोगों की बॉडी को रिलैक्सेशंस में आने का अभ्यास होना चाहिए। आप लोग रिलैक्सेशंस के दौरान सो जाते हो और रिलैक्सेशंस हो जाती है, आप उसको बेहोशी कहते हो, लेकिन आपको अभ्यास हो जाए कि आप रिलैक्सेशंस में भी अवेयर रह पाएं, इसके बिना संभव ही नहीं है। दूसरी चीज़ एस्ट्रल बॉडी प्रोजेक्शंस को दूसरा जो शब्द ये भी कहा जाता है अंग्रेजी में आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, यानी कि बॉडी के बाहर का एक्सपीरियंस, OBE। ये हमेशा से जब वैज्ञानिकों ने भी एक्सपेरिमेंट्स करे तो हमेशा से बात सामने आई है कि ये जो बहुत डीप स्लीप होती है ना, आपने एक शब्द सुना होगा आप में से कई लोगों ने, रैपिड आई मूवमेंट वाली स्लीप, REM स्लीप, जो डीपेस्ट ऑफ स्लीप होती है, उस स्लीप में सबसे ज़्यादा ये घटनाएं घटित होती है। कारण क्या है कि जो वेस्ट का नया साइंस आई है तो उसको रिलैक्सेशंस की जो विधि है, यानी कि सालों साल के ध्यान के बाद, वो उसमें गड़बड़ लगती है, वो चाहता है जल्दी जल्दी हो जाए, तो वो चाहता है कि पॉइंट आउट करते हैं कि रैपिड आई मूवमेंट वाली स्लीप, यानी कि एक्सट्रीम डीप स्लीप। तो डीप स्लीप असलियत में साधकों के लिए डीप स्लीप नहीं हो रही होती, साधक सो नहीं रहे उस स्थिति पे, उनका शरीर सो रहा है, उन्हें शरीर से सेपरेशन करने का बहुत अच्छा अभ्यास हो जाता है साधकों को। तो देखने में उस नई साइंस को लगता है कि रैपिड आई मूवमेंट वाली स्लीप है। तीसरी चीज, उस स्थिति को अचीव कैसे किया जाता है, तो इसके ऊपर बहुत विज्ञान अब आया है और CIA ने भी एक्सपेरिमेंट करा है बहुत सारे, और जो कुछ समय पहले हम सब ने गेटवे प्रोसेस समझा था CIA का, जिसमें अपनी बॉडी से बाहर निकालने का वो सिखा रहे थे, बातें कर रहे थे, ये सारी बातें गेटवे प्रोसेस, एनालिसिस एंड असेसमेंट ऑफ गेटवे प्रोसेस, ये CIA ने करा है, तो उसमें भी उन्होंने बहुत सारी इसमें स्टडी करी है। तो उन्होंने एक आंकड़ा भी दिया है CIA ने कि अगर आपकी बॉडी रिलैक्स्ड हो जाए, पूरी बॉडी एक कंपन पर पहुंच जाए, अभी क्या है कि हम सबकी सारी बॉडी के हर पार्ट, हर ऑर्गन अलग अलग कंपन में है, आपके पैर कम कंपन में होते, हल्की कंपन में होती, आपका मस्तिष्क ज़्यादा कंपन में होता है, ऑर्गन्स अलग अलग कंपन में, अलग अलग वाइब्रेशंस है हर बॉडी पार्ट की। तो ऐसा सबसे पहले हो जाए रूल नंबर 1 कि आपकी पूरी बॉडी एक होमोजीनियस फ्रिक्वेंसी में आ जाए, और वो सेम पूरी बॉडी के ऑर्गन सेम फ्रिक्वेंसी में आए, और वो फ्रिक्वेंसी स्वाभाविक है, वो है शूमैन रेजोनेंस, यानी कि आपके एनवायरनमेंट या कहें
पृथ्वी की और आइनोस्फीयर के बीच में जो ईथर है उसकी कंपन। हृदय ही अगर सही कंपन में आ जाएगा तो आपकी फुल बॉडी पे उसको एक कंपन में लाने का पोटेंशियल है हृदय के पास। दूसरी चीज, आपके एक एक सेल, ये वाला वाक्य मैंने कई बार आपको बोला है, आपका हर एक सेल में आपके हृदय की वाइब्रेशंस पहुंचती है। हृदय का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल इतना बड़ा है, इतना फील्ड इतना बड़ा है कि आपकी बॉडी के हर एक सेल को वो एंगल्फ करे हुए, यानी कि लिपटे हुए है। तो हृदय को सही कंपन में कैसे कपाया जाए? श्वास ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाकर। हृदय की अभी कंपन जो हमारे लबडप, जो इंग्लिश में शब्द है, यानी कि धक धक हिंदी में बोलते हैं, वो बराबरी पर आ जाना चाहिए। इससे क्या होता है कि हृदय में एक चीज होती है, एक प्रक्रिया होती है, बाइफर्केशन इको एक चीज होती है। इसको हम छोड़ देंगे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग ना लगे आपको। सिंपल से आपको क्या करना है, मैंने आपको बोला है, गहरे ध्यान पर आप जाते जाएंगे तो आपकी सारे की सारी बॉडी सेम कंपन में आ जाती है, इतना आप समझ गए। इसी का आपको पोटेंशियल बढ़ाना होता है। आपका जो बॉडी का फील्ड है, जिसको ECG और EEG में नापा जाता है ना, आपके इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस को, वो आपके चारों ओर फैला हुआ होता है। हृदय का एक्सटेंड करता है लोगों का, 3 फीट दूर से भी आपके हृदय के फील्ड को नापा जा सकता है, 3 से 6 फीट दूरी तक भी आपके हृदय के कंपनों को नापा जा सकता है। इस फील्ड को आपको कोहरेंट करना होता है शूमैन रेजोनेंस के। जब जैसे आप ये करोगे, आप ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाओगे, बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाओगे। आप ऐसे समझे, क्योंकि बाहर प्रकृति की कंपन तो 7.5 और 7 चल ही रही है, आप भी उसी में हो जाओगे तो दोनों कंपनों के बीच में टकराव नहीं होगा। इसको वैज्ञानिक शब्द बोलते हैं, टकराव नहीं होगा ना अब आपका। अब आपकी गाड़ी जिस गति में भाग रही है, आपके बगल में भी गाड़ी उसी गति में भाग रही है, इसको शब्द दिया जाता है रेजोनेट करोगे आप सारी प्रकृति के कंपनों से। इसके बाद आप लोगों के अंदर एक चीज है, पूरी पृथ्वी और आप लोगों में एक चीज होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, जिसमें हम सब घिरे हुए हैं। आप शब्द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड शब्द सुना होगा, सर से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को आप समझे कि आपका शरीर भी बिजली छोड़ रहा है, आपके उपकरण भी बिजली छोड़ रहे हैं, आपके आसपास कोई मनुष्य आता है वो भी बिजली छोड़ रहा है, तभी तो वैज्ञानिक नाप पाते हैं बीमारियों को, और कैसे नापते हैं ना। हर चीज इलेक्ट्रिसिटी छोड़ रही है। अगर दो लोगों के इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के टकराव हुए तो आप लोगों को सामने वाले इंसान से, जैसे आज मनदीप जी का भी प्रश्न है कि सामने वाले इंसान अगर कोई नेगेटिव इंसान है तो उसकी मौजूदगी में नेगेटिव वाइब्स फील होती हैं। वो क्यों होती हैं? क्योंकि आप लोग उनकी वाइब्स को पिक करते हो। जैसे प्लांट्स का हमने इंटेंशन एक्सपेरिमेंट देखा था ना, जब हम आइसोलेशन में हो, आपके आसपास कोई इंसान ना हो, तो आप अपने को बहुत शांत कर पाओगे, आप टकराव नहीं होगा आपकी भावनाओं का एक दूसरे से। इतनी सारी भाषा, ये जो भी मैंने शब्द बोले, ये सारे मैं उम्मीद करता हूँ आप समझते हैं अब, है ना, कि आपकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है आपकी बॉडी से, सामने से भी। तो सबको कोहरेंस में जब आप आ जाओगे, उसके बाद आप ऑटोमेटिकली बहुत डीप स्लीप में चले जाते हो। लेकिन क्योंकि आप लोगों को अभ्यास है स्लीप में भी अवेयर रहने का, साधकों को सालों सालों के बाद भी, तो आप अपनी बॉडी और बाहर के एनवायरनमेंट की बॉडीज, उदाहरण के लिए बाहर हवा है, वो भी आपके लिए अपनी बॉडी जैसी फील होगी। तो आपको कनेक्शन फील होगा कि अभी तो आपको लगता है ये उंगलियां मेरी बॉडी है, इस उंगली के आगे कुछ नहीं है, लेकिन आपको उस रिलैक्सेशन के स्टेट में बाहर की बॉडी, बाहर की ईथर, बाहर की हवा भी अपनी ही बॉडी लगेगी। तो आप बहुत ही ईजिली, इतनी शक्ति, या शब्द बोला जाता है थ्रेशोल्ड, इतनी आपकी रिलैक्सेशन हो जाती है, एक थ्रेशोल्ड लेवल क्रॉस कर लेता है, जिसके बाद आप बाहर के माहौल में भी अपनी बॉडी फील कर सकते हो। बाहर जितनी प्रकृति है, पेड़ हैं, पौधे हैं, आप उसमें भी अपनी बॉडी फील कर सकते हो, क्योंकि कंपन सेम है, हर चीज ही कंपन सेम है। तब जाकर आपको एहसास होता है कि हाँ, मैं अब अपने इस शरीर को छोड़ के भी बाहर जा सकता हूं, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं। तो आपको क्लियरली फील होने लग जाता है। अपने शरीर को बाहर छोड़ पाने की एबिलिटी बहुत सारे लोगों में आ तो जाती है, दिक्कत कहाँ आती है? ये आप समझ गए मूल सिद्धांत के, आपके शरीर जब रिलैक्स होगा तो आपको एहसास होने लगेगा कि आप बाहर भी आपकी बॉडी है, अभी आपको अपनी बॉडी के बाहर कुछ फील ही नहीं होता।
मूल सिद्धांत है बहुत रिलैक्सेशन लंबे सालों सालों तक। अब जब आप बाहर निकलने लग जाओगे तो दिक्कत, दो दिक्कतें आती है, बहुत बड़ी दो दिक्कतें आती हैं जिनका जिक्र नहीं होता, कि आपको बाहर लोगों से रिलीज हो रहे इमोशंस, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी डायरेक्ट फील होने लगेगी आपको, क्योंकि हर वक्त आपकी बॉडी वो वाइब्रेशंस रिलीज कर रही है, जैसे बिजली कंपन रिलीज कर रही है हर वक्त, जनरेटर ठक 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 जो जनरेटर होता है जब बिजली चले जाती है तो लाइट ऑन करते हैं वो, उसकी आप कंपन सुनते हो ना ठक 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 ठक, वैसी हर वक्त कंपनी रिलीज कर रही है, हर इंसान की इंटेंशंस चारों ओर फैली हुई है, और ये इंटेंशंस आपकी एस्ट्रल बॉडी कैच करने लगती है और भटक जाती है कई बार और कंफ्यूजन होने लगती है। तो ट्रेनिंग चाहिए, अभ्यास चाहिए, इसी वजह से बोला जाता है आपको पहले शांत स्वभाव का इंसान होना बनना जरूरी है। अभी हम अगर अभी भी सामने वाला कोई गाली दे देता है तो हमें तो दुख हो जाता है, और उन स्टेट्स में आपको बहुत अलग अलग प्रकार के बीइंग्स दिख सक महसूस होंगे, दिखने तो जैसी तो कोई चीज़ें होती नहीं है, अभी भी आपको मेरी शक्ल महसूस हो रही है लेकिन आपका आईज उसे इंटरप्रेट करवा पा रही है, बस असलियत में महसूस हो रहा है अभी आपको, सब कुछ एहसास हो रहा है, और वो तो हमारे अलग अलग सेंस ऑर्गन्स की वजह से इंटरप्रिटेशंस आपकी विजुअल्स में भी आ पा रही है, साउंड में भी आ पा रही है, इमोशंस में भी आ पा रही है, तो वैसे ही आपको एहसास होते हैं, ये बहुत बड़ा दिक्कत होता है। तो अगर किसी इंसान को अभ्यास नहीं है तो भयभीत हो जाता है, क्योंकि आपको अलग अलग इंटेंशंस फील होंगी, आप लोगों को पास्ट की इंटेंशंस भी फील होती हैं, ये जो मैं अभी सारी बातें बता रहा हूँ ये CIA की बातें बता रहा हूँ आपको, ये अभी उपनिषद की बातें नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ CIA की बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज के जनता को CIA ज़्यादा और विज्ञान साइंस ज़्यादा सच लगता है, तो CIA की सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। तो आपको पास्ट में किसी इंसान ने बहुत गुस्सा करके गया, किसी पेड़ के नीचे जुआ खेल के गया और दुखी होके हार के गया, तो उस पेड़ के चारों ओर अगर आप अपनी एस्ट्रल बॉडी को लेकर जा पाने में सक्षम हुए, क्योंकि आपको पेड़ भी अपनी बॉडी लगेगी, आपको पूरा की पूरी कनेक्टिविटी फील होगी, जैसे अभी आप अपनी बॉडी को लेकर स्पेस में ट्रैवल कर पाते हो, है ना, टाइम स्पेस में आप ट्रैवल कर पाते हो, वैसे ही आपको हर जगह अपनी बॉडी एहसास होने लगेगी, वो बहुत अलग प्रकार का आपको एहसास होगा। तो अगर कोई 2 साल पहले बहुत नेगेटिव एनर्जी कहीं छोड़कर गया था तो आपको एहसास होने लगेगी और उससे परेशानियां हो जाती हैं, तो पहले बहुत शांत चित्त का इंसान हो तभी उसका वो कोई उपयोग भी कर पाएगा। दूसरी चीज जो एस्ट्रल बॉडी में इशू हो जाता है, सबसे बड़ा इशू ये है कि आप जब रिलैक्स्ड होते हो ना उसके बाद आपको उस जानकारी को वापस नहीं ला पाते। इसको अंग्रेजी में हम बहुत सरल सा शब्द में बोले, इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग पोटेंशियल, हम सब में इतना पोटेंशियल ही नहीं हो पा रहा कि हम उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके ला पाए अपने पास वापस, क्योंकि वो इतनी रिलैक्स स्टेट्स हैं कि आपका लेफ्ट ब्रेन की मदद से आप रिकॉल कर पाते जानकारी, लेकिन लेफ्ट ब्रेन तो पूरा का पूरा शांत हो जाता है, तभी तो आप सो पा रहे हो, एकदम रिलैक्स सो पा रहे हो, और वो जानकारियां आप वापस नहीं ला पाओगे। अभी हम सब के क्या लगता है, हम सबको लगता है हम रिलैक्स्ड हैं लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, हम सब थकान को, लेजीनेस को रिलैक्सेशंस मान लेते हैं, हम सब शांत बैठ जाते हैं, वो टायर्डनेस अलग चीज़ है, हम सबको लगता है अब जिंदगी बस अब तो जो होना है होता ही रहेगा, मौत जब आनी है आने दो, मैं मृत्यु का इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं तो शांत हो चुका हूँ, मुक्त हो चुका हूँ, लेकिन वो टायर्डनेस हो रखी होती है हमारी, वो उस स्थिति, वो कैसे पता चलेगी आपको टायर्डनेस है कि नहीं है, तो सीधे सीधे से आप अपनी निद्रा को अगर नहीं देख पा रहे हो बहुत अभ्यास के बाद भी, तो अभी आप उस स्टेट्स को नहीं समझे। जिस दिन आप निद्रा को स्टार्टिंग है 10 मिनट देख पाओगे, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, एक घंटा, फिर ऐसी स्थिति आएगी, आप अगर, मैं आपको कई बार बोले एक ट्रिक कर सकते हो, आप दिन में सोने का अभ्यास करो, और दिन में या सोने में, क्योंकि उतनी डीप स्लीप नहीं हो पाती इंसानों की, तो आप दिन में अपने शरीर को सोते सोते आपकी फुल बॉडी, आपको ब्लड फ्लो महसूस हो रहा होगा, आपको अपने शरीर में, आपको नई नई चीज़ें अनुभव होंगी अपने शरीर की, आपकी बॉडी कैसे रिकवर होती है नींद में, आपको लाइफ फील हो रही होगी कि अच्छा ब्लड यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, आप पूर्णतः जगे हुए होकर सोए हुए होंगे, आपका शरीर फुल रेस्ट में होगा, और इतना ज़्यादा रेस्ट पर जाना होता है
जो उन डॉक्यूमेंट्स में भी लिखा हुआ है और जो आपको खुद भी अनुभव ही होगा, या आपको एहसास होगा आपकी मसल ऐसे लटक रही है, रिलैक्स हो रही है, फिर आपको हड्डियां आपके ऐसे रिलैक्स हो रही हैं, बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशंस, बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशंस, तब जाकर मुख्यतः आप समझ गए कि बाहर का हवा और आपके अंदर की हवा सेम हो जाती है। लेकिन अभी करना बहुत लोगों के लिए खतरनाक है, स्वाभाविक है। जैसे ड्राइविंग अभी आप नहीं कर पाएंगे हाईवे में, जिसको नहीं आती, या हाईवे में आप कर लोगे लेकिन पहाड़ों पर नहीं कर पाओगे आप। तो अभ्यास अगर हो जाता है तभी किसी पॉइंट का है, किसी काम का है। और ये बातें इस वजह से मेन स्ट्रीम में नहीं आती क्योंकि आप लोगों की असली शक्ति ही ये है। आप लोग तो बहुत पावरफुल लोग हो, ये बॉडी के सेल्फ हीलिंग पोटेंशियल तो मैं नहीं समझता कि किसी भी वैज्ञानिकों को जो इन इन क्षेत्र में एक्सपेरिमेंट कर रहे उसे ना पता हो, बस वो आपको बताना ही नहीं चाहते। और ये तो मैं कई बार आपको बोल चुका हूं, ये वाक्य मैं फिर से दोहरा दूं कि अगर किसी को हार्ट का इशू है तो वो ये एस्ट्रल प्रोजेक्शंस वाली चीजें ना ही करे, होने को कुछ नहीं है। लेकिन किसी किसी को ऐसा भी सदमा लग जाता है ना कि अरे मेरे बच्चे की मृत्यु हो गई, तो दुखी हो जाते हैं, या माता पिता की मृत्यु हो गई, इसलिए ये सारी चीजें तब जाकर करवाई जाती हैं। इसलिए यहां पर भी हम नहीं करते वो सारी चीजें। जब आपको अभ्यास हो जाता है, आप इस दुनिया से तो मुक्त हो जाएं कम से कम, है ना, फिर आगे की बातें भी आप लोगों को ईजी लगेंगी, सारे ट्रबल नहीं देगा फिर आपकी बॉडी को कुछ, कि आप लोगों को रिलैक्स होना है अपने फील्ड से और आपके चारों ओर की चीजें आपको एक लगने लग जाएंगी। तो आज ही से आप ये अभ्यास करेंगे कि आप कैसे अपनी डिस्ट्रैक्शंस को घटा पाए, निद्रा को देख पाए। और डिस्ट्रैक्शंस घटाने का एक बहुत सरल तरीका मैंने आपको बताया, लेकिन सरल तरीका आप लोग अपनाते नहीं हो। लेकिन सरल तरीका ही मैंने आपको बताया कि रोज कट करते रहो, रोज एक चीज पिक करो। जैसे आरिफ खान जी ने बोला कि टीवी क्विट कर दिया मैंने, तो रोज आप क्विट करो। और आपके बिजनेस पर बाधा नहीं होनी चाहिए, आपके बिजनेस पर बाधा नहीं होनी चाहिए क्योंकि रोटी भी खाओगे आप, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारा नमस्कार, आत्मा नमस्ते।